अस्सलामुअलैकुम फाइव क्लास टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 9.2 ऑन ईद डे फोर फ्रेंड्स कलेक्ट ईदी इन रुपीज़ एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स। नेम है बेटा फ्रेंड्स के साउद, आमिर, अली, उस्मान। ईदी कितनी मिली है? साउद को 1000, आमिर को 600, अली को 800, उस्मान को 400। हिंट दिया क्वेश्चन का, वन स्क्वायर रिप्रेजेंट 100 रुपीज़। रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन बाय अ कॉलम ग्राफ, कि हमें कॉलम ग्राफ बनाएं, उसमें इस मालूम को पुट कर दें हम। तो उसके लिए हम बना रहे हैं बेटा, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। जो हमारे वर्टिकल होते हैं वहाँ पे हमारे होते हैं वाई एक्सिस, ये, और जो बेटा हमारे हॉरिजॉन्टल पे होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं एक्स एक्सिस। जो हमारी अमाउंट आ गई है वो मैंने लिख दी कि ये अमाउंट है, और ये फ्रेंड्स के नेम हैं साउद, आमिर, अली, उस्मान। अब साउद को कितने मिलते हैं? 1000, ये देखिएगा 1000 पे। आमिर को 600, अली 800, उस्मान 400। इस तरह से हम ये इंफॉर्मेशन को कॉलम ग्राफ में पुट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, उसमें भी उसने यही कहा हुआ है कि आमिना रिजल्ट आउट ऑफ 100 मार्क्स इज गिवन बिलो। सब्जेक्ट दिए इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, मैथ, साइंस, मार्क्स दिए हैं, तो इसे भी हमने कॉलम ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ये हम बेटा हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और इनका जो हमारी स्पेस होती है ये इक्वल होनी चाहिए। देखिएगा इधर से भी स्पेस क्या हो, इक्वल हो, इसको रिप्रेजेंट कर दिया मेरे बेटा। देखिएगा बेटा इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिए होंगे बुक के ऊपर, इनको इसी तरह से आपने सबका बार कॉलम ग्राफ ही बनाना है, इसी तरह से आपने इनको रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। ये आमना वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने अभी आपको हल करके दिखाया, ये देखिए, ठीक है जी। क्लास है हमारी एक्सरसाइज है अब 9.3। ये देखिए बेटा, जैसे हमने खुद पहले ड्रॉ किए थे, अब हमें ड्रॉ किया हुआ है, हमने आंसर करना है। उनका व्हाट इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द ग्राफ, तो हम ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। क्वेश्चन पढ़ें, रीड द फॉलोइंग वर्टिकल सिंपल बार ग्राफ, द ग्राफ रिप्रेजेंट द डेली पॉकेट मनी ऑफ 5 चिल्ड्रन। क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें? डेली पॉकेट मनी ऑफ 5 चिल्ड्रन की। अब बेटा क्वेश्चन है आपके पास, हु इज़ गेटिंग मैक्सिमम पॉकेट मनी, किस, मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा किसको पॉकेट मनी मिल रही है? तो ये देखिएगा किसको मिल रही है सबसे ज़्यादा, सानिया को सबसे ज़्यादा मिल रही है। हु इज़ गेटिंग द मिनिमम, कम से कम किसे मिल रही है? फिज़ा। तो फिज़ा गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मनी ऑफ सानिया एंड फिज़ा, के दोनों की जो पॉकेट मनी है उनमें डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है? डिफरेंस आप कर चुके हैं, सब्ट्रैक्शन को बोलते हैं। सानिया के 30 हैं, फिज़ा के 5 हैं, फ़र्क निकालना है। 30 - 5 = 25। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने रीड करने हैं और आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इसका क्वेश्चन देखते हैं हम, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन क्लास 1, क्लास 1 में कितने स्टूडेंट्स। यहाँ से देख के बेटा आप आंसर लिखोगे, ये देखें क्लास 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 80। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 80, ठीक है।